नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे YouTube चैनल शेखर ट्रिकी म्यूजिक में। दोस्तों जैसा कि आज का थंबनेल देख के हमें पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं राग शिवरंजनी में सरगम गीत को कैसे गाते और बजाते हैं। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए एक बार मैं आपको बजा के दिखा देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ कीबोर्ड या हारमोनियम पर इसको कैसे गाते और बजाते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं राग शिवरंजनी सरगम गीत। चलिए दोस्तों सबसे पहले मैं आपको इस राग का चलन बता देता हूँ, क्योंकि लास्ट वाली वीडियो में जिसमें मैंने राग शिवरंजनी का संपूर्ण परिचय बताया हुआ है उसमें पकड़ वाली लाइन मिस हो गई है। तो चलिए इस वाली वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये वीडियो भी राग शिवरंजनी से रिलेटेड है, तो इसमें मैं आपको पकड़ बता देता हूँ कि लास्ट वाली वीडियो में मिस हो गया था। तो उसका एक बार हम पकड़ देखेंगे राग शिवरंजनी का कैसे बजाते हैं। तो देखेंगे दोस्तों, ये राग शिवरंजनी का पकड़ है, एक बार फिर से देखेंगे सारे गा पा सारे गा पा गा रे सा धा रे सा सारे गा पा गा रे सा धा रे सा। तो इस पकड़ को आप जरूर बजा लें, क्योंकि ये राग शिवरंजनी का एक पार्ट मिस हो गया था अगली वाली लास्ट वाली वीडियो में। तो आप इसे देख लीजिए राग शिवरंजनी का पकड़ कैसे बजाया जाता है। अब अगली वीडियो में आगे की तरफ देखते हैं। तो चलिए दोस्तों इसका नोटेशन और सरगम देख लेते हैं कि इसको आप हारमोनियम कीबोर्ड पर कैसे बजाएंगे। तो चलिए मैं आपको बता देता हूँ एक एक लाइन। तो इसकी पहली लाइन है गारे सारे साधा सारे का गारे सारे सा। इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे गारे सारे साधा सारे गारे सारे सा। फिर इसकी अगली लाइन देखेंगे गा कर का पा धा सा पा सा गा पा गरे सा। दो पार्ट में देखेंगे गा कर का पा धा सा पा सा गा पा गरे सा। तो ये हो गया आपका सेकंड लाइन कंप्लीट। अब थर्ड लाइन देखेंगे गा 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 पा सा धा सा धा रे सा। फिर से देखेंगे गा 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 पा सा धा सा 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 धा रे सा। ये हो गई आपकी थर्ड लाइन कंप्लीट। अब चलिए नेक्स्ट लाइन देखेंगे। हाँ से ये आपका स्टार्ट होगा नेक्स्ट ऑक्टेव से, ये आपका स्टार्ट होगा अगले सप्तक से। सारे गारे सारे साधा इसको फिर से देखेंगे
सारे धरे सारे साधा पगरे साधा पगरे सा। ये फोर्थ लाइन है, लास्ट वाली लाइन है, कैसे है? सारे धरे सारे साधा पगरे सा। दो पार्ट में देखेंगे। सारे धरे सारे साधा तो ये हो गया आपका राग शिवरंजनी कंप्लीट। तो दोस्तों आप इसको अपने कीबोर्ड या हारमोनियम पर बजाने की प्रैक्टिस जरूर करें, जिससे आपको इस राग के बारे में और भी जानकारी हो सके। वीडियो आपको हेल्पफुल लगी है, इसमें आपकी थोड़ी बहुत मदद हो सकी है, तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में एक नए राग के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों इसके पीछे वाली वीडियो में मैंने काफी रागों के बारे में बता दिया है, काफी चीजें डिस्कस हो गई हैं अबाउट कीबोर्ड, मतलब बेसिक चीजें भी बता दी है। आप उन वीडियो को एक बार जरूर देखें, जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ सके और आप अच्छे से कीबोर्ड या हारमोनियम प्ले करना सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलता हूँ मैं आपको एक नेक्स्ट राग के साथ। तब तक के लिए आप हमारे साथ बने रहें।